जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाह अकबर। सांसद असुद्दीन ओवैसी द्वारा लोकसभा में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद कई जगह पे देश में उनका विरोध हो रहा है। इसी क्रम में लखनऊ में हिंदू महासभा द्वारा उनके खिलाफ़ FIR करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। यहाँ हिंदू महासभा के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं शिष्य चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या विषय रहा है, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया है? देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का केंद्र पवित्र मंदिर संसद के अंदर खड़ा होकर एक सांसद शपथ लेते वक्त कहता है फिलिस्तीन की जय, भारत की जय नहीं, भारत माता की जय नहीं, वंदे मातरम नहीं, लेकिन इस देश की खाएंगे, इस देश से कमाएंगे और वह फिलिस्तीन जैसे आतंकी देश की जय जयकार करेंगे। इसके विरोध स्वरूप आज हम लोग यहाँ आए हैं। वो फिलिस्तीन जो कि निर्दोष इसराइल के नागरिकों को बंधक बनाता है, उनकी बहन बेटियों को बलात्कार करता है और आज तक बंधक बनाए हुए, जिसके कारण पूरा इस्लामिक समाज जो है वो बदनाम होता है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो बदनाम होते हैं। इन सब बातों के विरोध में आज प्रथम सूचना रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराने आए हैं। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और उनकी सांसदीय सदस्यता निरस्त की जाए, ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहारिका शुक्ला है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। लोकसभा में जो असुद्दीन ओवैसी ने नारा लगाया है उसको लेकर क्या कहना है? ओवैसी जी का नारा ये चूँकि बहुत ही गलत है, आप इसी भारत में रहते हैं, भारत का ही नमक खाते हैं, उसी से नमक हरामी कर रहे हैं और जय फिलिस्तीन का नारा दे रहे हैं। अगर इन्हीं की तरीके से और भी 2-4 सांसद आ गए लोकसभा के अंदर तो हमारे भारत को पाकिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हम लोगों की मांगे ये हैं कि इनकी सांसद सदस्यता निरस्त की जाए और इनको फांसी की सजा सुनाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है, मैं यही चाहता हूं कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी जी को सज़ा दी जाए, क्योंकि वो इस संसद में खड़े होकर फिलिस्तीन की जयकार लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा जी। मैं प्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व लखनऊ महानगर अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। मैं ओवैसी की इस कृत्य की बहुत भर्त्सना करते हैं और एक संविधान में हमारे 120(1)(d) एक धारा है जिसके तहत ये है नियम कि यदि कोई जनता से चुना हुआ संसद किसी दूसरे राष्ट्र का सम्मान करता है, उसकी पक्षपात करता है, उसकी जयकार करता है तो उसकी सदस्यता राष्ट्रपति महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। मैं ये मांग करूंगा कि ओवैसी की सदस्यता तत्काल निरस्त माननीय राष्ट्रपति महोदय करें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो तुष्टिकरण नीति वाले और पार्टियाँ हैं इनकी इस जयकार पर कोई संसद में एक शब्द नहीं बोला है और हमारे हिंदू राष्ट्र की जय के नारा लगाने वाले जो हमारे बरेली के सांसद गंगवार जी हैं उनके खिलाफ वहाँ पे बोला गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज इस देश को हिंदू राष्ट्र के जगह मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पूरी प्रयास चल रही है। मुसलमानों में भी बहुत ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनकी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ओवैसी जैसे गद्दार आदमी जो कि कभी राष्ट्रवाद की भावना नहीं रहता है, वो नारा भारत माता की जय नहीं बोलता है, वो वंदे मातरम नहीं बोलता है, उसको इस तरीके से फिलिस्तीन की जय बोलना बहुत ही भर्त्सना का विषय है और इसका तत्काल ही इसका निरस्त करना चाहिए संसदीय जी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अनमोल कश्यप है और जो उन्होंने उस दिन बयान दिया था उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग जब शपथ लेने गए थे तो इनके हाथ में, सबके हाथों में संविधान की कॉपी थी और इनकी मेजोरिटी भी एक तरीके से थी कि 240 सीटें इनकी आ गई, लेकिन उसमें से किसी भी आदमी ने इसका खड़े होकर विरोध नहीं किया कि तुम जय फिलिस्तीन की बोलो, जय भीम से हमको कोई दिक्कत नहीं, जय भीम से कोई दिक्कत नहीं, जय तेलंगाना बोला बहुत अच्छी बात, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने की क्या जरूरत थी? उस जगह जब मेरठ के सांसद श्री अरुण गोविल जी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो तुरंत अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद को खड़ा करवा के कहा कि बोलो जय अवधेश, तो उसका विरोध हो सकता है जय श्री राम के नारे का, लेकिन जय फिलिस्तीन के नारे का नहीं हो सकता। तो ये होता है दोगलापन, ये होता है डबल स्टैंडर्ड। तो सुना आपने, ये लोग थे जिन्होंने अपना यहाँ पे ज्ञापन दिया है और विरोध दर्ज कराया है असुद्दीन ओवैसी के बयान के खिलाफ। इनका कहना है कि जय तेलंगाना, जय हिंदू राष्ट्र, इसका नारा तो स्वीकार है लेकिन जय फिलिस्तीन का नारा कतई स्वीकार नहीं है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।